पर मिले ना मिले आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट, आपका तो मेन गुण आविष्कार है, पढ़ाई तो ठीक है वो तो बोनस है, लेकिन आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बारिश कहाँ से हो रही है, आकाश नीला क्यों हो रहा है, क्यों होता है आकाश नीला, और जिसने ढूंढ के निकाला उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। एक आदमी ऐसे ही जा रहा था, साइंटिस्ट था, क्या नाम था उसका, चंद्रशेखर सी वी रमन, ऐसे ही घूम रहे थे, एरोप्लेन में जा रहे थे, बोले ये आकाश नीला क्यों होता है, बस इसी चीज़ ने उनको नोबेल पुरस्कार दिला दिया। क्लियर हो गया? तो पहले हमारा माइंडसेट कौन सा होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना। आज का काम आज ही करना है, अगर करियर में सक्सेस होना चाहते हैं तो आज का काम बस, उसके बिना सोने का ही नहीं, जब तक आज का काम आज नहीं होगा। क्लियर हो गया? जब तक आज का काम आज नहीं करेंगे तब तक सोचा। और याद रखिए, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, शिव केरा साहब बोलते हैं जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वे काम अलग ढंग से करते हैं, और यही आपको करना है साहब। आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन टॉपर तो कोई एक ही बनेगा ना, इसमें दो बनेंगे, तीन बनेंगे, मैक्सिमम तीन बनेंगे, बाकी लोग उसके फील्ड में डॉक्टर बनेंगे। स्पीकर आया और उन्होंने एक अच्छी बात बोली, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। बनता है क्या? नहीं बनेंगे, सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का डॉक्टर बन सकता है। अभी बंद कर दीजिए साहब, कितना भी विकट परिस्थिति हो जाए, आप ITI में पढ़ने दो, पिताजी एक रूम में 7 दिन में एक बार चाय पीते होंगे, पाव ब्रेड बेचते होंगे, हार बेचते होंगे मंदिर के सामने बैठ के, किधर यानी हालत खराब होने दीजिएगा साहब, उसमें भी रास्ता निकल सकता है, उसमें भी रास्ता निकल सकता है, क्योंकि हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने को जितना आग लगाओ उतना प्रखर निकलता है, चांदी को जितना धार लगाओ उतना ही वो चमकता है, सूरज